त्योहारों से पहले झटका दे सकते हैं पेट्रोल और रसोई गैस। त्योहार के मौसम में आपको पेट्रोल और डीजल के साथ रसोई गैस के लिए भी ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ सकती है। रसोई गैस सिलेंडर के दाम 1000 का आंकड़ा पार कर सकते हैं। पिछले कई दिनों से पेट्रोल डीजल की कीमतें स्थिर हैं, पर 10 दिनों के कच्चे तेल की कीमत बढ़ी है। अगस्त में कच्चे तेल के दाम 74 रुपये 22 पैसे डॉलर प्रति बैरल थे, दिसंबर में $75 पार कर सकते हैं। उधर सरकार रसोई गैस सब्सिडी को पूरी तरह ख़त्म कर सकती है। मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा है कि सब्सिडी सिर्फ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना वालों को दी जा सकती है। सरकार के अंतरिक्ष सर्वे में आया है कि उपभोक्ता 1000 रुपये का सिलेंडर खरीद सकते हैं। बता दें, जनवरी से अब तक गैस सिलेंडर 190 रुपये 50 पैसे महंगा हो चुका है। लखनऊ में 1 अक्टूबर से 30% बढ़ेगा माल भाड़ा। लखनऊ गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की बैठक में 1 अक्टूबर से ट्रकों का माल भाड़ा 30% बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। डीजल की बड़ी कीमत, टोल समेत दूसरे खर्चों में वृद्धि के चलते 3 साल में दूसरी बार बढ़ोतरी की गई है। इस वृद्धि के बाद लखनऊ से करीब 350 किलोमीटर दायरे के शहरों तक माल ढुलाई करीब 3000 रुपये महंगी हो सकती है। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।